सेम में था, बताया सेम नहीं बताया, नहीं बताया। जैसे डॉक्यूमेंट आपने नया बनाया, ठीक, सेव नहीं किया है आपने, ठीक है, तो पहला बार सेव करेंगे, ठीक है, तो इस पे आप क्लिक करिए या तो इस पे क्लिक करिए, होगा काम एक ही। क्या काम होगा? सेव एज होगा, ठीक। इस पे क्लिक कर रहा हूं मैं, तो यहां पे देखिए सेव एज लिख रहा है ना, लेकिन मैं क्लिक तो सेव पे किया था। अब यहां पे आता हूं और इस पे क्लिक करता हूं, ठीक है, तो भी क्या लिख रहा है? सेव एज, ठीक है। तो पहला बार जब डॉक्यूमेंट हम सेव करेंगे तो सेव एज ही होगा, ठीक है। मान लो इसमें मैं कुछ लिख दिया जी, ऐसे यहां पे आया, सेव कर दिया माय डीओसी। अब यहां पे मैं लोकेशन चॉइस करूंगा, ठीक है, कि कहां पे मेरे को सेव करना है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। मैं चाहता हूं कि डेस्कटॉप पे सेव हो, तो इस पे मैं सिलेक्ट कर लिया और यहां पे एमएस वर्ड का नाम दे दिया, ठीक है। देने के बाद इसको कर दिया सेव पे क्लिक, ठीक है, और अब इसको कर दो बंद। सेव हो चुका डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कहाँ गया है? ये वाला है, इस पे अब डबल क्लिक करूंगा तो भी खुल जाएगा एमएस वर्ड, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आ गया है ना। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगा, ठीक है, और फिर इस, अब इन दोनों में अंतर देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि सेव और सेव एज में अंतर बताओ, ठीक। तो अब पहले से फाइल बना बनाया है मेरा, मैंने तो फाइल ओपन किया है ना, तो अब इतना लिखने के बाद अब अगर मैं सेव एज पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा? नया फाइल मेरा बन के तैयार होगा और उसमें इतना डेटा होगा, ठीक है, और जो पुराना फाइल जो मैं पहले बनाया था उसमें सिर्फ इतना ही कंटेंट होगा, एक कंटेंट नहीं होगा, ठीक। करके देखें, ठीक है, सेव एज पे आया और यहां पे क्या कर दिया? वन, ठीक है, नाम दे दिया वन और यहां पे आ गया। अब इसको मैं बंद कर देता हूं, एक फाइल यहां बना है, दूसरा फाइल यहां बन गया। अब इसको मैं क्लिक करता हूं तो नए वाले फाइल में टोटल लाइन है, लेकिन मैं इसमें अगर क्लिक करूंगा ना तो इसमें इतना ही लाइन है, ठीक है। अब मैं दोनों को बंद कर देता हूं, अब जो नया बनाया था इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। अब इसको मैं ओपन कर दिया, अब मैं इसमें कुछ और लिख देता हूं, ठीक है, और अब इस पे आता हूं। सेव एज वाला तो देख लिए ना, सेव एज क्या करता है कि नया फाइल बना के तैयार करता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा? क्लिक कर दिया जी, सेव हो गया इंटरनली, ठीक है। सेव हो गया तो क्या हुआ कि जो पुराना जो फाइल था, पुराना फाइल ही है, नया कॉपी नहीं बना है, लेकिन जो कंटेंट मैंने बदला था वो देखिए है ना इसमें। मतलब क्या, सेव और सेव एज में क्या अंतर है? अंतर ये है कि पहला बार अगर क्लिक करें तब तो सेव एज ही चलता है, ठीक है, लेकिन पुराने फाइल में अगर हम सेव करेंगे तो पुराने फाइल को ही सेव कर देगा नए कंटेंट के साथ। पुराना कंटेंट भी रहेगा, नया कंटेंट भी रहेगा, ठीक है, हाँ, सेव में, बस नया फाइल नहीं बनाएगा, फाइल वही रहेगा, ठीक है। इंटरनली तो उसका साइंस कुछ अलग है कि पुराने फाइल को रिप्लेस कर देता है, नया फाइल उसी नाम से सेव कर देता है, लेकिन हमें ये जान के कंफ्यूज नहीं होने का, हमें बोलना है ये कि सेव कमांड जब चलाएंगे तो पुराने फाइल में ही कंटेंट को सेव कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर सेव एज चलता है तो क्या होता है? पुराना फाइल जस के तस रह जाता है, नया जो फाइल है उसका बन जाता है नए कंटेंट के साथ, ठीक। समझ में आया नहीं आया? आ गया। जैसे मान लीजिए ए कोई सीनियर ऑपरेटर था या जूनियर ऑपरेटर था, इतना डेटा लिखा है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि इतना डेटा तो मेरे काम का है ही, लेकिन इसमें मैं कुछ और भी लिखना चाहता हूं, ठीक है, और लिख दिया। अब मैं ये चाह रहा हूं कि जो पुराने ऑपरेटर का बनाया हुआ फाइल था, ठीक है, उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, बल्कि इतना जो मैं फाइल बनाया हूं इसका एक नया मेरा कॉपी मेरे नाम से बन जाए, ठीक। तो यहां पे आऊंगा, सेव पे मैं क्लिक नहीं करूंगा, सेव पे क्लिक करूंगा तो पुराने फाइल में ही सेव हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जो पुराना ऑपरेटर बनाया था उसी का फॉर्मेट में मैं कुछ अपना कुछ कट पेस्ट करके अपने नाम से फाइल बना के रख लूं,
तो करूंगा मैं सेव एज पे क्लिक और फिर यहाँ पे अपना मैं नाम लिख दूंगा कुछ भी, ठीक है, नाम लिख दिया, ठीक है, और फिर क्या करूंगा सेव पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, पुराना ऑपरेटर आएगा तो देखेगा भाई उसका फाइल जस का तस है तो हम पे भड़केगा नहीं, ठीक है, कि जी हमारा जैसा फॉर्मेट था वैसा हमारा छोड़ दिया है, अपने काम का जो चीज था वो बना लिया है, और मेरा ये फाइल है, ये देखिए मेरा ये काम का ये जो फाइल था ये है मेरे पास, ठीक है। तो आप इस तरह से सेव और सेव एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे कुछ इसमें एडिटिंग करना है तो मैं करके सेव पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ से आके सेव हो जाएगा क्योंकि ये तो मेरा फाइल है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। आगे चलें, ठीक है जी, आगे चलते हैं। सेव बटन, सेव का शॉर्टकट बटन क्या है, कंट्रोल प्लस एस, ठीक। सेव एज का शॉर्टकट बटन क्या है, नहीं मालूम, कंट्रोल प्लस F12, यार मेरे को डाउट हो रहा है इस पे, तो ये कौन पढ़ा दिया, कंट्रोल प्लस F12 ना, ठीक है, देखते हैं यार मैं गलत हूँ कि सही हूँ। OSK ये क्या खुल गया, मैं तो OSK खुला हूँ, ओ मैं कुछ एडिटिंग किया हूँ अपने सिस्टम में। कंट्रोल प्लस F12 से क्या होगा, ओपन, ओपन हो गया ना, ये तो मैं अभी बताया था भाई, सेव एज के लिए सिर्फ और सिर्फ F12 है, ठीक, क्लिक किया, ये देखो आ गया सेव एज, ठीक है। तो कंट्रोल F12 माने सेव एज नहीं, कंट्रोल F12 मतलब ओपन, अभी तो बताया था ना मैं, बोल तो भूल गए थे, कंफ्यूजन हो गया क्यों। तो सेव एज का शॉर्टकट बटन F12, सेव का शॉर्टकट बटन कंट्रोल एस, ओपन का शॉर्टकट बटन कंट्रोल ओ या फिर कंट्रोल प्लस F12, ठीक है, न्यू का शॉर्टकट बटन कंट्रोल प्लस एन, ठीक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, नहीं होगा, आगे चलें, ठीक है जी। अब सेव एज में मैं माउस लेके आया, ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है F12, ठीक है, सेव एज में मैं जब माउस लेके आया तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन खुल गया, ठीक है, इसमें से हमारे काम का 1-2-3 ठो है जिसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, जैसे सेव होता है नॉर्मल सेव वैसे ही होगा, ठीक। आगे चलते हैं, ये देखिए ये एक टेम्पलेट के रूप में सेव करेगा, इसका तो जरूरत शायद आपको पड़ेगा नहीं, पड़ेगा तो पूछ लेना, बता दूंगा मैं कभी, ठीक है। लेकिन मैं इसमें आ जाता हूं, कहे कि मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा यार अभी। ये वाला क्या है, MS Word 97-2003 डॉक्यूमेंट, ठीक, क्या मतलब इसका, क्लिक कर देता हूँ इसको, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो MS Word 2003 है, ठीक है, वो जब MS Word को सेव करता है तो उसका फॉर्मेट अलग होता है, मतलब उसका एक्सटेंशन अलग होता है, मतलब उस फाइल का पहचान अलग होता है। लेकिन जो 2007 में सेव होता है या 13 में या 11 में 10 में सेव होता है, मतलब 2003 के बाद जैसे 7 आ गया, ठीक है, तो 7 या 7 के जो हायर वर्जन है उनमें जो फाइल सेव होता है, ठीक है, उसका एक्सटेंशन या फॉर्मेट या पहचान कह लो अलग होता है, क्या बता। 2003 में अगर आप सेव करोगे तो क्या एक्सटेंशन बनेगा, .doc, ठीक। लेकिन 2007 या हायर वर्जन में अगर आप सेव करोगे तो क्या एक्सटेंशन बनेगा, .docx, ठीक है, ठीक। अब क्या मतलब है इन दोनों का, मतलब ये है कि अगर एमएस ऑफिस 2003 में आप सेव किए हैं, मतलब इस फॉर्मेट में अगर आप सेव किए हैं, तब क्या होगा कि 2007 का जो एमएस ऑफिस होगा उसमें चलेगा,